श्रद्धा और आफताब के केस की पूरी वीडियो हम बना चुके हैं, लेकिन इस केस में लगातार कुछ न कुछ अपडेट आ रहा है जिसको हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। जब 26 साल की एक लड़की को उसका 28 साल का बॉयफ्रेंड मार देता है तो यह इतना सिंपल भी नहीं रह जाता है कि उसके तह तक नहीं जाया जाए। दिल्ली पुलिस इस मामले को बहुत गंभीरता से जाँच कर रही है। इसी बीच उस आदमी का नाम भी सामने आया है जिसने आफताब को दिल्ली में फ्लैट दिलवाया था। क्या कुछ अपडेट हो चुका है इस केस में, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं bejodjora.com का यूट्यूब चैनल। न्यूज पोर्टल दैनिक भास्कर के मुताबिक मुंबई की रहने वाली श्रद्धा ने मास मीडिया की पढ़ाई की थी। उसको कॉलेज में उसके दोस्त फोर्जी गर्ल कहकर बुलाते थे। वह हमेशा हंसती रहती थी। उसके बाल पिक्सी कट कटे हुए थे जिस वजह से उसकी पहचान एक अलग थी। उसने अपने दोस्तों को आफताब के साथ रिलेशनशिप के बारे में बताया था। इसके साथ ही दैनिक भास्कर ने उसके दोस्तों के माध्यम से कहा कि श्रद्धा एक बिंदास और बोल्ड किस्म की लड़की थी, लेकिन आफताब के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद वह रिजर्व हो गई और अपने दोस्तों से ज़्यादा बात नहीं करती थी। श्रद्धा के एक दोस्त के मुताबिक, मैं श्रद्धा को 2015 से जानता था। हम बैचलर्स ऑफ मास मीडिया में साथ पढ़े थे 2015 से 2018 तक। इसके बाद 2019 तक हमारा कॉन्टैक्ट रहा। हमें 2019 में ही पता चला था कि वह आफताब के साथ रिश्ते में है। रही बात आफताब की, तो वह हमारे कॉलेज में नहीं था, वह वसई से था और श्रद्धा के घर के आसपास ही रहता था। दोनों काफ़ी मैच्योर थे और अपने फैसले लेने में सक्षम थे। तब हमें लग रहा था कि दोनों का साथ होना ठीक है। बाद में श्रद्धा बताती थी कि आफताब उसके साथ मारपीट करता है। हम सभी दोस्तों को लगता था कि वह गलत रिलेशनशिप में है, लेकिन हम दोस्त थे, ज़्यादा से ज़्यादा सलाह ही दे सकते थे। श्रद्धा बार बार ये कहा करती थी कि वह इस रिश्ते से बाहर आ सकती है। हम सीमित दायरे में ही उनके रिश्ते में दखल दे सकते थे। हमें उसकी फिक्र तो होती ही थी। आफताब भी बहुत रिजर्व और सिंपल था। उसे कभी हम पूरी तरह से जान ही नहीं पाए। अब जब उसके बारे में पता चला है तो बहुत हैरानी हुई है। मैं तो कभी उससे मिला भी नहीं, लेकिन कुछ दोस्त जरूर उससे मिले थे। मुझे ये बात कहानी लग रही है कि श्रद्धा आफताब पर शादी के लिए दबाव डाल रही थी और इसी वजह से यह मर्डर हुआ। जो श्रद्धा को जानते हैं उन्हें इस बात पर यकीन नहीं होगा। ये विश्वास ही नहीं होता कि श्रद्धा किसी पर शादी के लिए दबाव डालेगी। श्रद्धा अपनी माँ के बहुत करीब थी। एक साल पहले उनका देहांत हो चुका है। वह अपने पिता के बहुत नज़दीक नहीं थी। उसके बाद वह शायद बहुत अकेली पड़ गई थी। अब ऐसा लगता है कि आफताब ने उसकी कमजोरी का फ़ायदा उठाया, या उसका कोई और मकसद भी रहा होगा। उसने लाश के 35 टुकड़े किए। हम ये यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि कोई इंसान अकेला ऐसा कैसे कर सकता है। हो सकता है कि कुछ और लोग उसके साथ हों। मैं किसी पर शक जाहिर नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को भी नहीं जानता हूँ जो इसमें शामिल रहा हो। दिल्ली के छत्तरपुर इलाके में हरे रंग की एक 4 मंजिला इमारत है। इस घटना के सामने आने के बाद इसके आसपास काफ़ी भीड़ लगी हुई रहती है। यही वो बिल्डिंग है जिसके पहले माले पर श्रद्धा की हत्या का आरोपी आफताब रहता था। वहीं पास में ही रहने वाले एक शख्स बताते हैं कि जिस फ्लैट में हत्या हुई है वहां से जंगल करीब 500-600 मीटर दूर है। यह इतना घना है कि वहां कोई जाता भी नहीं है। अगर वहां पर कुछ फेंका जाए तो उसका पता चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पूरी लोकेलिटी ही जंगल के आसपास बसी है, इसीलिए बॉडी को ठिकाने लगाने के लिहाज से यह एक अहम जगह है। आफताब ने 19 मई को अपने घर से करीब आधा किलोमीटर दूर तिलक इलेक्ट्रॉनिक्स नाम के एक दुकान से 260 लीटर का एक फ्रिज खरीदा। अब पुलिस ने इस फ्रिज को अपने कब्जे में ले लिया है। आरोप है कि आफताब ने शव के टुकड़े रखने के लिए ही इस फ्रिज को खरीदा था। इसके लिए उसने 25,300 रुपये चुकाए थे। दुकानदार तिलक राज के मुताबिक आफताब ने अपनी आवश्यकता बताई और उसके हिसाब से फ्रिज मांगा। हमारे पास जो फ्रिज थे हमने उसे दिखा दिए। फ्रिज खरीदने के बाद वह दुकान पर दोबारा कभी वापस नहीं आया। इस घटना से जुड़े और भी बात सामने आ रही है, लेकिन अभी तक कन्फर्म नहीं हो पा रहा है। जैसे ही कुछ ऑफिशियल होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। इस वीडियो के बारे में अपने विचार आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ।
यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।